दमो शहर में पहली बार एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग का समर कैंप। बॉलीवुड के अनुभवी कलाकारों एवं फिल्म निर्देशकों द्वारा प्रशिक्षण का मौका। ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें बस स्टैंड के सामने चंदन मोबाइल के बाजू से दमोह। मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दमोह। बार बार कहने के बाद भी पिता द्वारा पुत्र की शादी ना कराए जाने से नाराज पुत्र द्वारा पिता की हत्या करने के एक मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने बताया कि 6 मार्च 2022 को जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत चौरैया गांव में लुक्का अहरवाल का रक्त रंजित शव उसके ही घर में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। वहीं मामले में उसके पुत्र पप्पू अहरवाल पर शक होने के चलते पुलिस ने उसे अपनी अभिरक्षा में लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल लुक्का अहरवाल की 7 संतानें थीं जिनमें आरोपी पप्पू अहरवाल सबसे छोटा था। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके बार बार कहने के बावजूद भी पिता ने उसकी शादी नहीं कराई, जिससे नाराज होकर उसने अपने पिता की हत्या की थी। इस अंधे हत्याकांड के बाद आरोपी पप्पू अहरवाल फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पप्पू अहरवाल जटाशंकर के पास एक ढाबे पर बैठा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार ने विस्तार से जानकारी दी। आज रात्रि में दमोह जिले में कौमी गश्त थी, जिसमें जिले के सभी थाना प्रभारीगण और सभी राजपत्रित अधिकारी कॉम्बिंग गश्त कर रहे थे। इसी कॉम्बिंग गश्त के दौरान विगत दिवस 6 मार्च 2022 को मड़ियादो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौरैया में एक लुक्का अहरवाल, जिसकी उम्र 70 वर्ष थी, रात्रि में सोते समय उसकी हत्या हुई थी। मड़ियादो थाने में 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात आरोपी की निरंतर तलाश की जा रही थी, वो दस्तयाब नहीं हो रहा था। हमें संदेह था कि ये परिवार में इसी के लड़के के द्वारा हत्या की गई है। उस लड़के को हम निरंतर तलाश भी कर रहे थे, वो मिला नहीं। कॉम्बिंग गश्त के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मृतक लुक्का अहरवाल का जो लड़का है पप्पू अहरवाल, यह जटाशंकर मंदिर के पास एक ढाबे पर आया हुआ है, रुका हुआ है। सूचना पर उसको दस्तयाब किया गया, मिलने पर अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ पर उसने अपराध स्वीकार किया और विधिवत इसकी गिरफ्तारी कर सक्षम न्यायालय इसको प्रस्तुत किया गया। सर, किस वजह से हत्या की गई? मृतक लुक्का अहरवाल के 7 बच्चे थे, 6 बच्चों की शादी हो गई थी और ये जो आरोपी पप्पू, इसकी शादी नहीं हुई थी। इसकी अपने पिताजी से निरंतर शिकायत थी कि आपने सबकी शादी कर दी, मेरी शादी नहीं की थी, इसलिए वो इस बात को लेकर निरंतर लड़ता रहता था। घटना दिनांक को भी इस बात का लेकर के उसका विवाद हुआ और नाराज होकर के गुस्से में उसने पिता की हत्या की थी। हेलो रोहन भाई, कैसे हो और क्या कर रहे हो? ओए बस ठीक हूँ यार, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो सारा दिन घर पे तंग करते रहते हैं। हाँ भाई, इसीलिए तो मैंने अपने बच्चों का समर क्रिएटिव क्लासेस में एडमिशन करवा दिया है। ओए समर क्रिएटिव क्लासेस मतलब? अरे भाई, फिल्मी द्रोन एंड अनरदास फिल्म्स हमारे शहर दमोह में पहली बार समर क्रिएटिव क्लासेस लेकर आए हैं, जहां सुप्रसिद्ध एवं अनुभवी बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और फ्यूचर में काम आने वाली बहुत सारी स्किल सिखाते हैं। अरे वाह भाई वाह, ये कौन कौन सी स्किल सिखाते हैं? ये एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग सिखाते हैं और बच्चों को अपना टैलेंट निखारने में मदद करते हैं। ये सिर्फ
वहीं हटा पुलिस ने भी मामले की जांच और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और वेब सीरीज में कास्ट संबंध में युवक के परिजनों से स्टोरीज में बात करने पर उन्होंने इस मामले में जानकारी दी। प्रमोशन भी मिलता है और लास्ट में बच्चों को बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट से सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। अरे वाह यार, फिर तो मैं भी अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन यहाँ करवा ही लेता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी करवा लो क्योंकि ये क्लासेस दमोह में सिर्फ एक महीने के लिए ही हैं।